जिंदाबाद की तालमेल कमेटी जिंदाबाद 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 की तालमेल कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नूह डिपो परिसर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की आह्वान पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग की अध्यक्षता तालमेल कमेटी के नेता अब्दुल हमीद व शहीद अहमद ने संयुक्त रूप से की। मीटिंग का संचालन इकबाल ने किया। मीटिंग में 26 नवंबर 2020 को होने वाली राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया। तालमेल कमेटी में राज्य की तरफ से ओम प्रकाश ग्रावल, कृष्ण कुमार ऊन, दीपक बेलार, रणबीर मलिक ने संयुक्त बयान में बताया कि सरकार रोडवेज विभाग को निजीकरण कर रही है। सरकार रोडवेज में सरकारी बसें लाने की बजाय प्राइवेट बसें ठेके पर ला रही है, जिससे रोडवेज बसें प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी और जनता की सुविधा छीन ली जाएगी। हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं और पहले भी विरोध करते आए हैं। अक्टूबर 2018 में रोडवेज के कर्मचारियों ने 18 दिन की हड़ताल की थी और सरकार को बैकफुट पर लाया था, परंतु सरकार से कई बार बातचीत के माध्यम से सहमति बनी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार रोडवेज के बड़े में 14,000 सरकारी बसें शामिल की जाएं, जिससे प्रदेश के लगभग 1,00,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा व जनता को सस्ती व सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी। परंतु सरकार पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए रोडवेज का निजीकरण करने पर तुली हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि 6 जनवरी व 4 जून 2020 को परिवहन मंत्री के साथ बातचीत में जिन मांगों पर सहमति बनी थी उनको लागू किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, खाली पदों पर पक्की भर्ती की जाए, परिचालकों का ग्रेड पे बढ़ाया जाए, प्रमोशन की जाए, 5,000 जोखिम भत्ता दिया जाए। कोरोना महामारी में हमारे 3 कर्मचारियों की जो मृत्यु हुई है उनके परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। मीटिंग में कपिल देव, जाकिर हुसैन, यादवेंद्र, हरकेश, देवीराम, सुरेश, तैयब, राकेश, मोहम्मद अकरम, इदरीस, साबिर हुसैन, पवन कुमार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। अगर आपने DTV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नूह से जुबैर खान की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश ग्रेवाल, सदस्य तालमेल कमेटी। ये आज बस स्टैंड में जो आपने मीटिंग ली है, किस वजह से मीटिंग ली, क्या है? में आज 26 नवंबर की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके बारे में, जो प्रदेश की हिंदुस्तान की जो सरकार कर्मचारी किसान विरोधी है, जो छात्र दुकानदार मजदूर को जो कुठाराघात कर रही है उसके विरोध में आने वाली 26 नवंबर को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें हमारे रोडवेज के भी मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को मिलाकर के तमाम हिंदुस्तान के तमाम ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर के हम एक दिन का चक्का जाम रोडवेज भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे भिन्न भिन्न रोडवेज के मुद्दे हैं, जिसमें 92 से 2002 तक का चालकों को ग्रेड देना, 4 साल का बोनस बकाया है, पक्की भर्ती करना, 16 वाले चालकों को पक्का करना, ये हमारी भिन्न भिन्न हमारी मांगे हैं उसमें, जो 26 नवंबर की जो राष्ट्रीय हड़ताल है। हिंदुस्तान की जो सरकार श्रम कानून जो सरकारी महकमे को बेच रही है, जैसे रेलवे को बेच दिया, बैंकों को बेच रही है, इसका सबसे बड़ा महकमा जहाज है, जहाज अड्डों को बेच रही है, जिसमें सभी मुद्दे मिला करके सभी ट्रेड यूनियन ने, अब एक बात आप बताइए, जैसे भी रेलें चल रही हैं, रेलों को बेच रही है, स्टेशनों को बेच रही है, मुनाफे में रेल है फिर भी उनको बेच रही है, तो इन सभी जनविरोधी सरकार के जो मुद्दे उनके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान आने वाले 26 नवंबर को एक दिन का चक्का जाम करेगा, जिसमें रोडवेज का कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। यदि सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानता तो कब तक फिर ये चक्का जाम रहेगा? एक दिन का चक्का जाम रहेगा, उसके बाद मीटिंग बुला करके और कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा।